नमस्कार, आप देख रहे हैं HBL न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। पटना में सुधा दूध बूथ काउंटर के संचालक को अपराधियों ने मारी गोली, हुई मौत। राहुल बोले, सिर्फ अपनी इमेज बिल्डिंग में लगे हैं पीएम मोदी, संस्थाएं भी कर रही हैं यही काम। भारत में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 45,120 नए केस, 1,129 मौतें। मुकेश अंबानी बने दुनिया के 5वें नंबर के रईस, जुगरबर्ग की रैंकिंग पर खतरा। वाराणसी में कोरोना काल में काढ़े का क्रेज, चाय की दुकान बंद कर खोली काढ़े की दुकान। कोरोना काल में सुना पड़ा संसद का सेंट्रल हॉल, नहीं मनेगी तिलक की जयंती। कोरोना काल में डिजिटल होगी यूएन महासभा, वीडियो संदेश भेजेंगे सभी वर्ल्ड लीडर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शादी के 3 दिन बाद दुल्हन बनी लुटेरी, 2 लाख नकदी व गहने लेकर चंपत। राम मंदिर के मुहूर्त को शंकराचार्य स्वरूपानंद ने बताया अशुभ घड़ी। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया कोरोना संक्रमित, अस्पताल में भर्ती। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, 89 लोगों की गई जान, 26 जिले प्रभावित। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति सांत्वना पेश की। तिब्बत के सिजांग में आज सुबह 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भोपाल में कल रात से 10 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगेगा। ग्लेनमार्क का दावा, फेविपिराविर दवा से जल्दी होती है कोविड-19 मरीजों की रिकवरी। एयर इंडिया का बड़ा फैसला, 6 महीने से 2 साल तक बिना वेतन छुट्टी पर भेजे जा सकेंगे कर्मचारी। पहली स्वदेशी एंटीजन किट को ICMR ने दी मंजूरी, 30 मिनट में आएंगे नतीजे। भारत चीन के बीच सैन्य कूटनीतिक वार्ता के बावजूद सीमा पर तनाव जारी। कर्नाटक में सिद्धि समुदाय को मिला अपना विधान परिषद का सदस्य। भारत में रोज आ रहे हैं दुनिया के 20% मामले, 20 दिन में 65% बढ़ी रफ्तार। तेलुगु अभिनेता नितिन ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से की सगाई। सुशांत की मौत पर पहली बार बोली विद्या, अपना पक्ष रखने के लिए वो हमारे बीच नहीं है। क्रांतिकारी बदलाव के साथ होगा IPL 2020, घर में ही बैठकर होगा कमेंट्री। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली का भाग्य का फैसला टला, 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए इंग्लैंड के पार्किंसन, टखने की चोट बनी बाधा।